राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार से जिम तथा योग केंद्र खुल सकते हैं। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने शनिवार रात को कहा कि होटलों को विवाह समारोह आयोजित करने की अनुमति होगी, लेकिन इसमें शामिल होने वाले लोगों की अधिकतम संख्या 50 रहेगी। प्राधिकरण ने कहा कि व्यायामशालाओं और योग संस्थानों को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है। बैंक्वेट हॉल्स, मैरिज हॉल्स तथा होटलों को अधिकतम 50 व्यक्तियों की सीमा के साथ विवाह समारोह आयोजित करने की अनुमति होगी। उल्लेखनीय है कि दिल्ली चरणबद्ध तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया 31 मई से शुरू की गई थी। राष्ट्रीय राजधानी में अब शैक्षणिक संस्थानों, थिएटरों, स्पा और स्विमिंग पूल जैसी कुछ जगहों को छोड़कर अधिकांश गतिविधियों और स्थानों को फिर से खोलने की अनुमति दी जा चुकी है। प्राधिकरण ने मेट्रो को 50% क्षमता के साथ संचालित करने की अवधि को 1 सप्ताह और बढ़ा दिया है। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने 14 जून को दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर कहा था कि दिल्ली सरकार की ओर से प्रतिबंधों में दी जा रही छूट के कारण मेट्रो स्टेशन में प्रवेश करने और ट्रेन में चढ़ने के लिए लंबी कतारें लग रही हैं। गौरतलब है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से राष्ट्रीय राजधानी में 19 अप्रैल को 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया गया। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।